आशा जी आप काशी में पहली बार आ रही हैं, आखिर काशी की स्वच्छता की स्वच्छता के लिए आशा ताई इस समय जो बॉलीवुड है वो बॉलीवुड की बात करने नहीं आई हूँ मैं, ये भगवान के दर्शन करने आई हूँ और दर्शन मुझे हुए हैं मेरे 10 क्या बोलते हैं बारह ज्योतिर्लिंग में से 2 रह गए, ये 10वां हुआ। अच्छा इसके बाद कहाँ जाना है 11वीं? अमरनाथ। मांगा क्या आपने बाबा से? मांगा क्या? बाबा को सब मालूम है, मांगना क्या होता है। अच्छा इस समय जो परिस्थितियाँ चल रही है राजनीतिक बयानबाजी का, उस पे उसके लिए कोई बाबा से मांगा? नेताओं को सद्बुद्धि दे बाबा, या क्या कहना है? नेता तो पहली बार अच्छे मिले हैं हमको, और ये पहले मिल जाते तो आज का ये दृश्य अलग होता। आशा ताई जी जिस तरह से सोनू निगम पे पूरा बॉलीवुड या म्यूजिक इंडस्ट्री बटी हुई लग रही है, आप किस तरफ हैं? सोनू निगम जिस तरह से अभी लाउड स्पीकर पे इन्होंने एक मुद्दा छेड़ा है, तो मैं पॉलिटिक्स में नहीं पड़ती। ये एक पार्श्वगायक की बात है, ये सोनू निगम की बात है, तो आप किस साइड है जो इस तरह से उन्होंने लाउड? सोनू के साइड पे हूँ, मेरा गाने वाला दोस्त है। अच्छा मानसा जी एक चीज, आप प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में है, गंगा की स्वच्छता और देश की स्वच्छता के बारे में अगर आप कुछ? मैं बहुत देख चुकी हूँ आज स्वच्छता, घाट घाट में जाके आई हूँ और बहुत साफ है। जय ये जो प्रधानमंत्री हमको मिले हैं अभी, वो अभी पहले 50 साल पहले मिल जाते तो आज हिंदुस्तान की शक्ल और होती है। मैम एक चीज़ ये है कि सोनू निगम ने जिस तरह का बयान दिया उससे क्या लगता है, पब्लिसिटी स्टंट है या क्या, आप इसको क्या मानती हैं? किस तरह का लाउड स्पीकर करना, क्या इसके पीछे वजह? पहली बार कोई पार्श्वगायक इस तरह से सर मुड़वा रहा है मीडिया के सामने? अच्छा नहीं मुझे पीछे पे नहीं बात करनी। थैंक यू ताई।